बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव विद सहर कामरा। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सेनेटर सहर कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सहर साहब। हुकूमती जराए के मुताबिक पाकिस्तान में पहली मरतबा तहरीरी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार कर ली गई है, जिसका मुजवदा टोटल 7 वर्षों में स्टेक होल्डर की मुशावरत से तैयार किया गया है। ये 7 साल के लिए तैयार की गई है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी सहर साहब क्या होती है, क्या है ये? एक मैं जो है ना दुरेश शवार, इस बात पे गौर कर रही हूँ कि हर चीज हर दफा पहली क्यों होती है जी। और अभी जो कौमी सलामती के वजीर आजम के मुशीर हैं मुईद यूसुफ साहब, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये पहली कौमी सलामती पॉलिसी है जो 7 साल के अरसे में तैयार हुई और पहली बार तैयार हुई। तो मैं बस याद कराना चाहती हूँ कि इस हकूमत का आगे 7 साल नहीं हुए, और अगर वो इस पे पहले 7 साल में मशीर बनने से पहले काम कर रहे थे तो मुझे थोड़े से तहफ़ुज़ात होंगे। और अगर इस पर इससे पहले की हुकूमतें और पहले से ही कुछ काम हो रहा था तो उसका एतराफ़ करना बहुत ज़रूरी था। देखिए, मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस खारजी और दाखिली महाज पे, अंदरूनी और बैरूनी, अगर उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे मुल्क के जो सलामती है, मुल्क के अवाम है, उनका तहफ़ुज़ किया जाए, उसके लिए जो लाए अमल होगा उसका मतलब जो अहाता करेगा वो कौमी सलामती पॉलिसी है। थ्रेट्स जो है वक्त के साथ साथ बदलते जाते हैं और मुख्तलिफ अवामिल जो है वो शामिल होते हैं। तो मैं अगर अभी इस कौमी सलामती पॉलिसी जो कि पहली कौमी सलामती पॉलिसी है, तो मैं कहूँगी कि अगर इसका जो जायज़ा लूँ मैं, तो इसमें जो है ही कहा गया कि ये जो है पाकिस्तान के अवाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। तो मैं समझती हूँ कि ये दाखिली और खारजी तमाम जो इश्यूज हैं उनका अहाता करेगी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो खतरात होते हैं ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, अगर थोड़ा सा मैं एक जिक्र करूं कि ट्रेडिशनल जो है वो एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, हमारे जो खारजी महाज हैं जैसे इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान के साथ हैं, यानी वो चीज़ें जो जिनसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, मिडिल ईस्ट है या सी पैक है या उसको सी पैक को लाख खतरात या उसकी कंप्लीशन के हाल किरा में हायल रुकावटें, फिर इसी तरीके से इंटरनल भी थ्रेट होंगे जो ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, जिसमें हम फिर कवारियत कहेंगे, हम ये कहेंगे कि लिसानी गिरोबंदी जो है, सियासी अदम इस्तेकाम है, फिर इसके अलावा जो एलर्जी की तहरीकें होती हैं जो हम अक्सर सुनते हैं, फिर इसी तरीके से इतिहाद पसंदी है, फिर कानून की अमलदारी जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होती है, फिर इसी तरीके से वेपनाइजेशन ऑफ द सिविल सोसाइटी, ये वो जो है ये वो ट्रेडिशनल इंटरनल चैलेंजेस हैं। तो कुछ जो है आपके बैरूनी चैलेंजेस होते हैं, जैसे कश्मीर का इशू है जिसके बुनियाद के ऊपर आपके जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात है, अफगानिस्तान की सूरत हाल है कि वहाँ पे यानी अफगानिस्तान की सरहद की सरजमीन से अभी न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दीगर ममालिक को भी कुछ खदशात हैं कि कहीं किसी तरीके से सिविल वॉर ना हो, किसी किस्म की इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में इन्फ्लो ना करें, किसी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ना हो, दाइश वहाँ पर जो है जड़े ना पकड़े, वो तमाम चीजें। तो ये है हमारे जो है वो ट्रेडिशनल एक्सटर्नल लिंक्स। हमारे अमेरिका से कैसे ताल्लुकात है, आपको पता है जब से जो है जो बाइडेन की हुकूमत आई, इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी गिला है कि जो अमेरिकी सदर ने उनसे अभी तक बातचीत नहीं की। तो फिर ये कि मतलब इस तरीके से कि हम एक सुपर पावर है, उससे आपके कैसे ताल्लुकात हैं, बाकी जो है जो ममालिक हैं उनके साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं, और वो आपको जो है किस किस्म के जो है खतरात अपनी सरहदों पे दरपेश हैं। फिर है नॉन ट्रेडिशनल, जो गैर रिवायती जो है जो खतरात होते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो एक आपकी साइबर सिक्योरिटी है, हमने देखा कि अभी पाकिस्तान की जो है FBI की वेबसाइट के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है साइबर हमले हुए, वो है यानी या गैर रिवायती जो है जंग जो है जिसको हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर, उसके ऊपर एक मुकम्मल मैंने प्रोग्राम भी किया था, वो है। या फिर अगर जहाँ पे आपके जो है वो आप ही देखें कि आपका जो है वो आपका जो सकाफती वरसा है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, या जो है किसी तरीके का जो इकोनॉमिक मैनिपुलेशन है, जो बड़ी ताकतें जिस तरीके से आपने देखा फैटफ है, या जो यहाँ पे आपकी जो है ना माशी आपकी खुद मुख्तारी जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है,
फिर उसी तरीके से जो है बायोलॉजिकल वेपन्स है, ये वो है जो जिनको आप ये कहें कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। फिर इंटरनल फैक्टर्स का रिवायती इंटरनल फैक्टर्स भी होंगे जिसमें आप ये कहेंगे कि जो इनर्जी सिक्योरिटी है यानी तवानाई, जो कि बहुत अहम है आपके लिए, आपके मुल्क को चलाने के लिए, आपकी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। फिर इसी के साथ साथ जो है वो आप ये देखेंगे कि माशी सिक्योरिटी, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वो बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आपके मईशत जो है वो मजबूत हो, ताकि आप जो है वो अगर आपकी मईशत मजबूत हो। सहर साहब, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगी प्लीज आपसे, एक सवाल ऐड करना चाहूंगी प्लीज। ये जिस तरह अभी जो कह रहे हैं खत्म करने, जी जी जी, इसी तरीके से एग्रीकल्चर में वो ये चीदा चीदा आपके सामने रख रही थी कि जो है नॉन ट्रेडिशनल जो है वो इंटरनल कौन से अवामिल हैं जो आपकी सिक्योरिटी के मामलों के साथ जुड़े हुए हैं। फूड सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चर है, फिर इसी तरीके से वाटर सिक्योरिटी है, वाटर मैनेजमेंट है, फिर इसी तरीके से जो है आपकी जो इंसानी तहफ्फुज़ है जानों का, वो तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें सिक्योरिटी के मामलों हैं। तो जो जो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि, और हमारा आईन भी ये कहता है कि अवाम का तहफ्फुज़, मुल्क के वसाइल का तहफ्फुज़ जो है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, और जो है कि आपकी जो है ना गजाई किल्लत किसी तरीके की ना हो, किस ये तमाम चीज़ें जो है ना आपकी कौमी सलामती ही में आती हैं। जी जी, अच्छा ये मुईद यूसुफ साहब ने जो कहा है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पहली दफा इस गवर्नमेंट ने मुतारिफ करवाई, आप नहीं समझते कि चार साल मुल्क का दिवालिया निकलने के बाद इनको चौथे साल इसका ख्याल आ रहा है? कि पहली बात ये कि मैं समझती हूँ कि आप से हम कुछ इकदामात देखना चाहते थे। अच्छा मुईद यूसुफ साहब ने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को दिया है, आप नहीं समझते कि चार साल मुल्क का दिवालिया निकलने के बाद इनको अभी ख्याल आया इसका? देखिए पहली बात ये कि इस बात पे भी थोड़ा सा गौर कर लें कि क्या ये पहली जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसी है, पहली ऐसी पॉलिसी है। 2014 में भी एक इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी, और उस वक्त जो है, उस वक्त के अगर हालात का जायजा लें तो उस वक्त जो है दहशत गर्दी अपने उरूज पे थी, और उस वक्त जो है जो चीदा चीदा नकात थे उस पॉलिसी के ये थे कि जो है बजाय जो लोग भटक गए हैं उनको इंगेज किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनको उनको जो है कौमी धारे में लाया जाए, और फौजी मिलिट्री ऑपरेशन के बजाय बातचीत का जो है वो रास्ता अख्तियार किया जाए। और उसमें मतलब ये कि उस पे कुछ पेशरफ करने की हुकूमत ने कोशिश भी की, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ 10 महीने के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल का अफसोसनाक सानिया हुआ, तो जिसके अंदर हम 140 से भी ज्यादा कीमती जाने जो है वो उनका ज़िया हुआ, जिसके बाद फिर दोबारा जो है फिर नेशनल एक्शन प्लान पास हुआ, जब भी पार्लियामेंट का एक मुत्तफिका जो है लेजिस्लेशन थी जिसके अंदर जो है इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से निपटने का एक पूरा लाए अमल बनाया गया, जिसमें यह था कि किस तरीके से इंतहा पसंदी की जड़ को जो है वो मुल्क से निकाल के फेंक देना है, और किस तरीके से टेरर फाइनेंसिंग की बात हुई, ये देखा गया कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो किसी भी तरीके से ग्लोरिफिकेशन नहीं की जाएगी, उनके जो है वो जो मीडिया को जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसको कट किया जाएगा, फिर किस तरीके से जो है वो मदरसे जो है उनको उनकी जो है वो कौमी धारे में लाया जाएगा, फिर एक पूरा एक निज़ाम था कि किस तरीके से जो है वो इंतहा पसंदी को एड्रेस किया जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स उससे बने, फांसी की सजाएं बहाल हुई, तो वो नेशनल एक्शन प्लान जो है उसका उसके 20 नकात थे, तो वो भी जो है कौमी जो है समझती हूँ कि सलामती ही पॉलिसी थी, और जो है 2014 की जो पॉलिसी थी वो भी कौमी सलामती पॉलिसी थी। और अब ये मैं इसमें जो मुझे लग रहा है कि ये जो है शायद एक पॉलिटिकल क्रेडिट तो हो सकता है, चले बहुत अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत के चले आपने कौमी सलामती पॉलिसी आपने कहा कि पहली बार बनी, उसको डॉक्यूमेंट कर दिया गया, उसके अंदर मईशत को कलीदी हैसियत दे दी गई, लेकिन मैं तो सवाल ये पूछती हूँ कि मईशत कलीदी हैसियत थी, आप जो है वो 7 साल से पॉलिसी बना रहे थे उस वक्त से भी जबकि आप कौमी सलामती के मशीर नहीं थे, या जो है उससे पहले जो कौमी सलामती के मशीर थे अगर वो उनका इसमें रोल था तो उसका ज़रूर एतराफ करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में उनका इस सिलसिले में एक स्टेटमेंट भी आया कि वो जब एनडीए के प्रेसिडेंट थे जनरल नासिर जंजुआ, तो उन्होंने जो है इस सिलसिले में जो है कोशिश की और जो है वो कौमी सलामती पॉलिसी की तश्कील
जो है उसके लिए जो है उन्होंने जो है इनिशिएटिव्स लिए। तो उससे भी पहले मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान को जब भी चैलेंजेस रहे हैं कौमी सलामती के, तो पॉलिसीज तश्कील दी जाती रही हैं। कौमी सलामती कौंसिल है, इससे डिफेंस की जो है कमेटी और कैबिनेट कमेटी, उसकी तश्कील जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने की दी थी। उससे पहले जो है फिर जो है एक ये कौंसिल जो है सलामती कौंसिल बनाई थी याहिया खान ने, लेकिन जब वो 71 का जो है सानिया हुआ तो उसके बाद उसको जो है वो मुअत्तल हो गई। फिर जो है वो कैबिनेट की कमेटी जो है वो डिफेंस सिक्योरिटी के ऊपर बनाई गई और वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाई। ये होता है जो डिफेंस की जो कमेटी होती है, जो कैबिनेट की कमेटी डिफेंस पर होती है, उनको जो है जो वजीर आजम है वो चेयर करते हैं। और जो सलामती कौंसिल बीच में बनाई गई जो कि आमराना दौर में बनाई गई, उनमें ये था कि जो कौमी सलामती के मामला जो है वो सारे फौज के सुपर्द कर दिए गए थे। फिर जो है बेनजीर भुट्टो साहिबा ने दोबारा जो है जो कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस थी उसको बहाल किया। उसके बाद जो है वो फिर जब परवेज मुशर्रफ इसका इनका दौरा है नवाज शरीफ साहब का, तो इन्होंने फिर जो है वो कौमी सलामती कौंसिल को वो कर दिया। फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने जो है वो कौमी सलामती कौंसिल को फाल कर दिया, कैबिनेट कमेटी को ख़त्म कर दिया। तो ये सिलसिला चलता रहा, डिफेंस थी उसको बहाल किया। उसके बाद जो है वो फिर जब परवेज मुशर्रफ इसका इनका दौरा है नवाज शरीफ साहब का, तो इन्होंने फिर जो है वो कौमी सलामती कौंसिल को वो कर दिया। फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने जो है वो कौमी सलामती कौंसिल को फाल कर दिया, कैबिनेट कमेटी को ख़त्म कर दिया। तो ये सिलसिला चलता रहा। हमारे यहाँ हर दौर के अंदर ज़रूरत के हिसाब से कौमी सलामती को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो इकदामात होते रहे और जो है सलामती के लिए कैबिनेट की कमेटीज भी बनती रहीं। तो ये कोई, मैं समझती हूँ कि अगर उसको कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसी है जिसको तमाम स्टेक होल्डर्स जो एक्सेप्ट करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं तो जो आवाज़ें सुन रही हूँ तो ये सुन रही हूँ कि जो है एतमाद में नहीं दिया गया पार्लियामेंट को। तो ऐसी कौन सी कौमी सलामती है जो पाकिस्तान के अवाम की सलामती का अहाता करती है, जो मुल्क के दिफा का अहाता करती है और उससे जो है मुंतखब नुमाइंदा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो बेखबर है। यानी आपने अगर कुछ चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंशियल हैं उसके बावजूद भी आपको एतमाद में लेना चाहिए था। अब मैं दोबारा वहीं से सिलसिला जोड़ती हूँ कि बात मईशत की हो रही है। तो आपने कहा कि मईशत का एक कलीदी किरदार है पाकिस्तान की सलामती में, मैंने भी जो अवामिल का जिक्र किया उसके अंदर भी मईशत जो है वो शामिल थी। तो मुझे आप ये बताएं कि ऐसे वक्त में जब अभी तक पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट में है, ऐसे वक्त में जब आपने जो है पाकिस्तान के स्टेट बैंक को आईएमएफ के ताबे कर दिया, ऐसे वक्त जिससे मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी जो है वो मुतासर हुई, फाइनेंशियल जो हमारी उसके ऊपर जो होल्ड था वो मुतासर हुआ। फिर आपने ऐसे वक्त में जबकि जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो अपने उरूज पर है, तो वो कहाँ गई आपकी सलामती पॉलिसी और उसके खदोखार और उसके अंदर मईशत का दिफा? और ऐसे वक्त में जब आपने जो है वो आईएमएफ की तमाम शरायत तस्लीम कर ली मनोअन और आपने जो है वो ऐसे लोगों को के हवाले मईशत कर दी जो कि आईएमएफ से किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड रहे और आईएमएफ को के आगे सरनगुम करते हैं, तो कहाँ गई कौमी सलामती पॉलिसी? मैं तो ये समझती हूँ कि आवाम का तो माशी कत्ल हो रहा है, तो कौमी सलामती पॉलिसी की सबसे पहले तो नफी यही हो जाती है। अच्छा, मैं सहर साहबा आवाम के हवाले से पॉलिसी, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की आपसे बात करूंगी, मगर अभी जो है प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, व्यूअर्स कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए लाइव विद सहर कामरान। वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। जी आप देख रहे प्रोग्राम लाइव विद सहर कामरान। सहर साहबा मुझे ये बताइए, जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है आवाम के लिए कितनी फायदेमंद है? देखिए, असल में तो जो कौमी सलामती पॉलिसी है उसका मकसद ही होना चाहिए कि शहरियों के माल और जान, उनके माशी और माशरती हकूक, उनकी जिंदगियों की हिफाजत, उनका दिफा, सरहदों का दिफा, ये होना तो यही चाहिए। और जो जिस तरीके से इसकी तशरीह की गई है तो ये भी यही बताया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि ये जो है
पाकिस्तान और जो है कौमी सलामती की पॉलिसी इहाता करती है इस बात का कि तमाम जो है वो दाखिली और खारजी महाज पे पाकिस्तान का और पाकिस्तान के शहरियों का मुकम्मल दिफा किया जाए, और जिस तरह से कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो हकूक हैं अवाम के उनका दिफा किया जाए, पाकिस्तान की जो रिसोर्सेज का दिफा किया जाए। अब अगर मैं थोड़ा सा खारजा अमूर के ऊपर बात कर लूँ कि अगर इस वक्त हम ये देखें कि मैंने बताया कि एक आपके ये भी डायमेंशन है कि आपकी सरहदें जो है वो उन पे हालात क्या है, तो अभी हम ये देखें कि भारत के साथ जो है वो हमारे जो ताल्लुकात हैं, जो हम कहें कि जी माशी हमारी जो अगर हम ये कहें कि स्टेबिलिटी आएगी वो उस वक्त आएगी जब आपके हमसाया ममालिक के साथ भी बेहतर ताल्लुकात होंगे। तो कश्मीर के इशू के बाद वो तो मुझे अभी जो है वो इस तरह का मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि हमारे कोई बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एक इंतहा पसंद जो है बीजेपी की हुकूमत है और नरेंद्र मोदी का भी काफ़ी एक एग्रेसिव पोजीशन है, और हमारे यहाँ भी जो है खारजा अमूर जिस तरीके से डील किए जा रहे हैं इस वक्त देखा जाए तो आपको अपने इर्द गिर्द जो है वो तमाम दोस्त ममालिक भी कुछ तहफ़ुज़ात के साथ ही नज़र आते हैं, तो ये एक चैलेंज है। फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल भी एक चैलेंज है, जिस इन तमाम हालात का जो है बराह रास्त असर जो है वो दाखिली मामलात पे आ जाता है। फिर फैटिफ का चैलेंज अभी बाकी है, ठीक है, फिर इसी तरीके से जो है आपका रुपया जिस तरीके से गिर रहा है वो एक चैलेंज है। फिर इसके अलावा अगर आप ये देखें कि जिस तरीके से साइबर अटैक्स हो रहे हैं, आपकी जो है वो डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज का आपका डाटा जा रहा है और बिक रहा है जो बाहर, और कॉम्प्रोमाइज हो रही है आपके अवाम की भी जो है सिक्योरिटी, तो मैं ये समझती हूँ कि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी गौरतलब है। फिर फूड सिक्योरिटी है या वाटर मैनेजमेंट है जो NFC अवार्ड के जरिए जो है एक सूबों के दरमियान में एक इत्तेफाक पैदा किया गया था, वो भी अब मुझे लगता है कि बहुत सूबों के अंदर से भी जिले शिकवे नज़र आते हैं कि उनको उनके जायज़ वसाइल नहीं मिल रहे, तो ये भी मैं समझती हूँ कि इसका भी असर पड़ता है बराह रास्त, क्योंकि इस तरह की जब महरूमियों का एहसास सूबों के अंदर जागे तो वो भी जो है वो कौमी सलामती पे एक मनफी असर डालता है। तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले कौमी सलामती को इंश्योर करने के लिए आगाज होना चाहिए खुद हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट जो है इसका एक फैक्टर है जो होनी चाहिए। कौमी यकजहती किसी कौमी सलामती के अंदर मैं समझती हूँ कि सबसे अहम जो पहलू है वो नेशनल कोहेशन या आपका जो है एक नेशनल आपकी जो यूनिटी है वो है। तो क्या हम नेशनल यूनिटी कायम करने में कामयाब हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। अगर नेशनल यूनिटी कायम करने में कोई भी हुकूमत कामयाब होती है तो बड़े बड़े चैलेंजेस जो सिक्योरिटी के होते हैं उनसे नबद आजमा हो जाती है। अगर जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, अगर नेशनल कोहेजन ना हो, नेशनल यूनिटी ना हो, आपके सामने एक नेशनल नरेटिव ना हो, तो फिर मैं समझती हूँ कि हमारे लिए कोई सीधा रास्ता इख्तियार करना मुश्किल होता है। जैसे नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर एक कंसेंसस था कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम एक हैं और इसको हमने अपने मुल्क से निकाल के फेंकना है, या फिर एक नेशनल जो है हमारा एक नेशनल नैरेटिव होता है कि ये हमारी ये हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हम इस तरफ इसको लेके जा रहे हैं और इसका हमने दिफा करना है। तो यहाँ पे अब तक मैं समझती हूँ कि जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो नेशनल यूनिटी का कायम ना होना और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सियासी तौर पर जो एक मैं समझती हूँ कि एक अदम इत्मीनान है वो कौमी सलामती के लिए एक बड़ा जो है ख़तरा है। फिर इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट जब अंडरमाइन होती है तो फिर आप ये देखें कि आप बैरूनी खतरात से मुकाबला करना या खारजा मामलात के ऊपर एक यकसा मौके पर इख्तियार नहीं कर सकते, तो वो भी आपके लिए एक जो है एक चैलेंज जो रहता है। इसी तरीके से एनर्जी के आप ये देखें कि इस वक्त में हमें जो है आप गैस की शॉर्टेज है, LNG की शॉर्टेज है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो चलेंगी, प्रोडक्शन होगी तभी आपकी मईशत का पहिया चलेगा, तो उन सब के ऊपर एक नेगेटिव जब असरात हो रहे हैं तो फिर आप ये देखें कि वो भी कौमी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक आपका जो है वो प्रोडक्शन लाइन इंटैक्ट नहीं होगी, आपकी जो है वो एनर्जी सप्लाई सही नहीं होगी, आपको बिजली और जो है आपको गैस नहीं मिलेगी, आपकी वाटर रिसोर्सेज जो है आपकी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर मैनेजमेंट बेहतर नहीं होगी, उस वक्त तक जो है वो आप जिसको कहते हैं ना कि आप एक कौम बनके और एक एतमाद फजा जो है वो बरकरार रखना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो ये तमाम ऐसे चैलेंजेस हैं जिसका सामना हमें करना है और जो सामना जो है बल्कि हम कर रहे हैं।
तो इसके लिए हुकूमत अगर ये समझती है कि कोई लाए अमल है तो उस पर असर उस पर अमल करके दिखाए। जिस तरीके से जो है अभी हमने ये देखा कि एक जो है कंसेंसस ये हुआ था कि किसी तरीके से भी कलदम तंजीमें जो है उनको जब तक कि वो खुद हथियार ना डालें या वो खुद जो है पाकिस्तान के आइन को तस्लीम ना करें या वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ तर्क ना करें और वो जो है एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से ना गुजरें तो उनके लिए रास्ते नहीं खोले जाएंगे। लेकिन हमने बारहा देखा कि ये हुआ और इससे न सिर्फ पाकिस्तान का जो तशख्स है, पाकिस्तान का वक़ार है वो भी मजरू हुआ और बैरूनी दुनिया में भी पाकिस्तान की साख जो है वो मुतासर हुई। लेकिन जब आपके फिर इंसानी हकूक, माशरती हकूक, ये एक बहुत अहम है। अगर माशरती हकूक का तहफ़ नहीं होता, इंसानी हकूक का तहफ़ नहीं होता और फ्रिक्शन रहती है हमारी सोसाइटी के अंदर तो वो भी मैं समझती हूँ कौमी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। हम बारह सुनते हैं कि जी हमारे जर्नलिस्ट जो है वो जो है पैरालाइज हो गए हैं या उनके लिंक जो है वो बैरूनी ताकतों से मिल गए हैं, शक व शुबे की फ़िज़ा रहती है या हर वो शख्स जो कि हुकूमत पे तनकीद करे उसको मुल्क दुश्मन तसव्वुर कर लिया जाता है। तो जहाँ आपका तशख़्स, आपकी शनाख्त, आपका जो है वो आपकी उबुल वतनी जो है वो चैलेंज हो जाए, मैं समझती हूँ कौमी सलामती को ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। फिर आप ये देखें कि दिफाई मामला तो अपनी जगह है कि भारत जो है वो कौन सी जदीद हथियार ले रहा है, आप कौन सी जदीद हथियार ले रहे हैं, मेरी टाइम सिक्योरिटी है कि आपकी समंदरी सरहदों का दिफा कैसे है, आपके समंदरी वसाइल का दिफा कैसे है, आपके ज़मीनी वसाइल का दिफा कैसे है, आप अपनी रिसोर्सेज को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो ये तमाम मामला हैं। फिर जैसे मैंने सी पैक का जिक्र किया कि हमने ये कहा कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है, स्ट्रेटजिक लोकेशन, उसकी वो बहुत अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान की कनेक्टिविटी उसको जोड़ती है सेंट्रल एशियन स्टेट से लेकर मिडिल ईस्ट तक। अगर वो कनेक्टिविटी किसी जगह पर उसमें कोई जो है हिंड्रेंस आ जाती है, जैसे सी पैक का जो मनसूबा है ये बहुत अहम है पाकिस्तान को कनेक्ट करने के लिए, अगर उसके अंदर कोई रुकावट होती है तो मैं समझती हूँ कि वो भी जो है कौमी सलामती का मामला है। देखिए आज की जंग में हर जो है वो महाज हथियारों से नहीं होता कि अब उनको आतिशी हथियारों से लड़ें। जब हम बात करते हैं हाइब्रिड वॉर की, जब हम बात करते हैं गैर रवायती जंग की, जब हम बात करते हैं साइबर थ्रेट की, जब हम बात करते हैं तफरकेबाजी की, जब हम बात करते हैं अदम इत्मीनान की, तो ये वो तमाम अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पर किसी भी जो है वो स्टेट को जो है वो कमज़ोर किया जाता है और जब कोई भी स्टेट कमज़ोर हो जाता है तो उसकी कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं सवाल ऐड करना चाहूंगी, जैसे अभी इसके दस्तावेजात भी ये आवाम के सामने लेकर आएंगे, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के, तो आप क्या समझती हैं जो इसके अंडर जितनी भी चीजें आपने भी कही है कि ये सारी इसके अंडर आती हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के, पिछले चार सालों में तो हुकूमत वक्त के हाथों में कुछ भी ऐसा हमने नहीं देखा है, तो आप क्या समझती इसके डॉक्यूमेंट्स देने के बाद या इसको तहरीरी तौर पर रखने के बाद ये चीजें कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए पहली बात ये है कि ये पार्लियामेंट में आए, ठीक है, और जो मंजूर हो गई है जो कौमी सलामती की कमेटी है, लेकिन पार्लियामान में एक इत्तफाक की राय इस पर हो। और सबसे पहली बात यह कि आप डॉक्यूमेंटेशन जितनी मर्जी कर जाएं, आप 2014 की पॉलिसी को कलदम करार दे दें, आप जो है नेशनल एक्शन प्लान को भूल जाएं, आप इतने यानी हर, मुझे ये लगता है कि एक सियासी तौर पर माइलेज लेने की एक जो है वो इनिशिएटिव है। और बहरहाल अगर इससे पाकिस्तान की कौमी सलामती का दिफा होगा तो मैं कहूँगी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर ये पहली भी पॉलिसी उसको मैं तस्लीम कर लूँ और ये कहूँ कि जी ये एक इनिशिएटिव है, मैं कहूँगी अमल करके दिखाइए। जो बात अभी आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि अमल करके दिखाइए। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप पाकिस्तान के अवाम का माशरती तहफ़ कर रहे हैं? मैं समझती हूँ सिंगल नेशनल करिकुलम जो है पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम पे को कमज़ोर किया, उसने पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को मजबूत नहीं किया, जिस तरीके के उसके अंदर गलतियाँ हैं या जिस तरीके से जो है इस बात को नज़रअंदाज किया गया कि कितने हमारे बच्चे आउट ऑफ द स्कूल हैं, उनको छोड़ के जो है आपने सिर्फ किताबें बदली और आपने एक डिजाइन किस्म का करिकुलम बनाने की कोशिश की जहां आप अपनी तारीख को, अपनी ज्योग्राफी को और अपने जो जो आपके असासे हैं, आपके सकाफती, उनको आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो मैं समझती हूँ आप किसी किस्म की एक अच्छा माशरा जो है वो आप तश्कील नहीं दे सकते। तो ये मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें समझना होगा कि हमें अपनी यूथ, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान जो है वो एक, पाकिस्तान के पास जो यूथ बल्ज है
वो पाकिस्तान की एक बड़ी ताकत है, एक बड़ी रिसोर्स है, उसका सही इस्तेमाल करना, उनको उनके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज जो है माशी और जो है उनके लिए नौकरियों का बंदोबस्त करना, उनकी जो है वो ट्रेनिंग का बंदोबस्त करना, ये एक बहुत बड़ा मरहला है कि आप उनको सही रास्ते पर डालें। उसकी उसी वक्त हो सकता है जब अपने वसाइल को सही वक्त पर सही सिमत में इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आज जो है वो 40 महीने गुजरने के बाद अगर एक डॉक्यूमेंट आ गया और आप ये बोलेंगे इस पर कल अमल होगा, तो अभी तो हमें इसकी जो है ये मतलब समझते हैं कि इसको क्योंकि ये जायजा लेना है कि इसमें क्या ऐसी चीज है जो आपको जो है हमें नहीं मालूम था पहले, जो अभी आप लेकर आए हैं, आप ये अभी बता रहे हैं हमें कि जो है वो मईशत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जुज है कौमी सलामती का, आप ये अभी हमें बता रहे हैं कि अवाम जो है अवाम वो बहुत अहम जुज है। तो मैं कहूँगी कि आईन भी अहम जुज है, पार्लियामान भी अहम जुज है, आपके कुदरती वसाइल भी अहम जुज हैं, आपके अवाम भी अहम जुज हैं, आपकी जो है वो जो एक नेशनल यूनिटी है वो भी अहम जुज है। अगर आप वो सब बरकरार रखते हैं फिर तो बड़ी बात है। अगर अभी भी आपका रवैया जो है फ्रिक्शन वाला है तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो कौमी सलामती को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसलिए कि जब आपका जो है अदल व इंसाफ का निज़ाम मजबूत हो, मैं समझती हूँ वो भी एक अहम चीज़ है, जिस मुल्क में अदल व इंसाफ होगा, जिस मुल्क में बर वक्त इंसाफ होगा, जिस वक्त मुल्क में अभी हमने इस में मतलब ये देखें कि बहुत सारे हमने देखा कि जराइम में इजाफा हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो है जो सिक्योरिटी सिस्टम है, अगर आप पब्लिक के लिहाज से कहें तो आपके पुलिस थाने का कल्चर क्या वो मजबूत हो गया है। हर चीज़ को देखें ना कि अगर आप अवाम की बात कर रहे हैं तो आप अपनी सरहदों की भी बात करें, आप अपने दाखिली जो मसाइल हैं उनकी भी बात करें, अगर उन सब का इहाता इस पॉलिसी में है तो मुझे आप इनिशिएटिव बताएं कि जी आपने साल का पहला दिन उस कौमी सलामती पॉलिसी पे अमल करते हुए कौन सा ऐसा इनिशिएटिव लिया जिससे अवाम का जो है वो एतबार जो है वो बहाल हो। अच्छा खान साहब, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सबकी यकसा तरक्की के बगैर कौमी सलामती मुमकिन नहीं है। इसके बगैर सॉरी आपकी बात, सबकी यकसा तरक्की के बगैर कौमी सलामती मुमकिन नहीं है। इसके बगैर सबकी यकसा तरक्की, यानी कि सब अगर मिलके तरक्की करेंगे तो ही कौमी सलामती मुमकिन है। देखें ये तो कोई ऐसी नई चीज नहीं है। हम ये समझते हैं कि जब तक माशरे का हर फर्द और तमाम तबका तरक्की ना करें उस वक्त तक जो है तरक्की मुमकिन नहीं है। तो ये समझे नहीं ना, ये करके करा के दिखाए ना, हमें ये बताएं कि आज पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास है वो जो कोलैप्स हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा कौमी सलामती को खतरा ये है कि लोगों के अंदर मायूसी बढ़ रही है। और ये क्या होती है जिसको हम कहते हैं गैर रवायती जंग, आपने माशरे के अंदर मायूसी बढ़ानी है, फ्रिक्शन बढ़ानी है, इस तरह का माहौल पैदा करना है जिससे मुल्क की जड़ें जो है वो कमज़ोर हो। तो यहाँ तो मुझे तो आप ये बताएं ना कि आपने क्या ऐसा एक इनिशिएटिव लिया, वज़ीरे आज़म साहब की स्कॉलर से बातचीत से पाकिस्तान के अवाम को कौन सा बराए रास्त फायदा पहुँचता है? रियासत मदीना का नाम या मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करने से कौन सी कौमी सलामती तश्कील दी जा सकती है? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं कि क्या आप मुल्क को जो है वो मुख्तलिफ तौर पर क्या वाकई, मुझे तो कभी कभी खौफ आता है कि हम क्या वाकई वो वक्त देखने जा रहे हैं दोबारा कि जी अगर आप जो है वो इस्लामी पॉलिसीज पे जो है वो यकीन रखते हैं तो ज़ियाउल हक जो है वो 5 साल के लिए सदर मुंतखब, तो क्या इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब जो है वो यही तो नहीं करने जा रहे? यहाँ पे पाकिस्तान का पार्लियामेंट जो है वो बार बार अंडरमाइन हो और कानून साजी जो है जोर जबरदस्ती से हो, तो वहाँ पर तो मैं नहीं समझती कि जो है कौमी सलामती के लिए का जो है कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। तो कौमी सलामती को असल में समझने की ज़रूरत है कि कौमी सलामती पेपर पे लिखने से नहीं होगी, कौमी सलामती आपके रवैये और अमल करने से होगी। आप नई पॉलिसी ना भी बनाते, आप पिछली बनी हुई जो पॉलिसीज हैं आप उन पर ही अमल करके दिखाते। आप मुल्क के, मैं समझती हूँ जिस मुल्क में मुल्क के आइन पर अमल हो जाए वो मुल्क जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है यकीनी हो जाता है। अगर आप मुल्क का आइन पे अमल करें, आप जो है वो स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें, स्टेट एक वेलफेयर स्टेट बने, यहाँ के अवाम खुश खुर्रम हो, तो फिर लोग एक निवाला कम भी खा लेंगे। जहाँ अदम इत्मीनान ना हो, जहाँ इस्तेसाल ना हो अवाम का, तो फिर हम देखेंगे कि वाकई जो है कौमी सलामती जो है वो इंश्योर हो जाएगी, वो इंटैक्ट हो जाएगी। मगर यहाँ तो हमें बैरूनी भी चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं।
हमें जो है वो अंदरूनी चैलेंजेस भी नजर आ रहे हैं, हमें अंदरूनी खलफशार भी नजर आ रहा है, हमें क्योस भी नजर आ रहा है। अच्छा सर साहब, मेरे पास दो मिनट है, मैं चाहूंगी आप इसको थोड़ा रैप अप करके हमें बताइए कि इन्होंने जिस तरह से अभी ये पॉलिसी रिवील करेंगे, इसके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आप क्या समझते हैं थोड़ा बहुत फायदा होगा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं लग रहा। देखिए वो कहते हैं ना कि दारोमदार अमल पे होता है, ठीक है ना, तो आपकी नियत का दारोमदार भी आपके अमल पर है, आप अमल करके दिखाएं। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आगाज जो किसी भी कौमी सलामती पॉलिसी का जो बेसिक चीज है वो आपका नेशनल कोहेशन, नेशनल यूनिटी है, आप कौमी जगजहती आप जो है वो करके दिखाएं, आप जो है वो सबको साथ लेके चलने की सलाहियत पैदा करें, आप हिजारा अंगाइजी कम करें, आप लसानी और तबकाती और जो मसाइल हैं उनके हल करने की कोशिश करें, आप जो है वो कौम को तकसीम करने के बजाय एक करें, आप जो है वो पार्लियामेंट का वकार जो है उसको बहाल करें, आप पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो हकूक समाजी और माशरती हकूक हैं वो अवाम को दें, और उसके बाद जो आपकी खारजा पॉलिसी है वो आपके अवाम की जो कितने एस्पायरेशन उनका मजहर होती है तो आप उसका तरीकेकार ये कि आप पार्लियामेंट पे पॉलिसी बने तो तब लोगों को पता चले, ये ना हो कि हमारे यहाँ OIC की मीटिंग हो, उसमें इस्लामाबाद डिक्लेरेशन भी हो, उसमें फलस्तीन की बात तो ज़रूर हो लेकिन हम कश्मीर की बात ना कर सकें, कश्मीर के इशू के ऊपर जो है भारत ने उसकी हैसियत तब्दील कर दी और हम अभी तक वो आधा घंटा खड़े होने वाले को हम ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ गए, हमने आधे घंटे खड़े होना था, हम तो कहते थे कश्मीर हमारी शहर है तो कौमी सलामती में कश्मीर भी सर फहरिस्त आएगा। फिर इसी तरीके से मईशत में रोज़ाना इन्फ्लेशन अगर बढ़ती जाए और आप ना IMF की शराइत पार्लियामेंट के सामने रखें और आप कॉम्प्रोमाइज करें और आपका रुपया डीवैल्यू हो जाए तो फिर मैं कहूंगी कि कौन सी जो है कौमी सलामती है। तो बहुत से सवाल हैं जहन में कि कौमी सलामती के खदोखाल जो है वो इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं, रिवायती भी हैं, गैर रिवायती भी हैं, उन सब का हमें इहाता करते हुए ये देखना है कि क्या आपकी डॉक्यूमेंट इन सब को कवर करती है, और अगर करती है तो मेरी तरफ से आपको दिली मुबारकबाद, मगर उस पर अमल आप कब करेंगे? अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने सिर्फ पब्लिश करके आपने रखना है और उसका बराए रास्त पाकिस्तान के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता, अगर पाकिस्तान के अवाम जो है वो ट्रेन हादसों के अंदर और तैयारा हादसों के अंदर अपनी जानों के की कुर्बानी देते रहेंगे और आप उनके जनाजों में शरीक नहीं होंगे, और अगर आप जो है जो एक आपकी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कौमी रिसोर्सेज की वो नहीं होगी सारे सूबों के अंदर, अगर महरूमियों का एहसास ख़त्म नहीं होगा, अगर पाकिस्तान की सरहदों का दिफा नहीं होगा, अगर पाकिस्तान के अवाम को जानो माल का तहफ़ नहीं होगा तो फिर कौमी सलामती की पॉलिसी आपकी एक जो है फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी सेनेटर सहर कामरान साहिबा। अल्लाह करे ऐसे ही हो कि ये सिर्फ दस्तावेजात ना हो, ये पाकिस्तानी आवाम के लिए हम सब के लिए बहुत ही अच्छी जो इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है हम सब के लिए खुश आइन साबित हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा इस हवाले से हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। सेनेटर सहर कामरान साहिबा को दुरे शहवार को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।